बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राज बब्बर अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में नजर आ चुके राज बब्बर के बच्चों को इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल ना हो सका। उसकी हया सादगी पे दीवाना कुर्बान है। आप प्लीज मेरे लौटने का इंतजाम करवा दीजिए। टूटा मेरी चाहत का सिलसिला। अभिनेता राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राज बब्बर की एक बेटी भी है। कहना था आपसे। जिन्होंने अभिनय के जगत में अपना हाथ तो आजमाया, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आइए राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं आपको। जुलाई 1979 में जन्मी जूही बब्बर एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्देशक भी हैं। उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म काश आप हमारे होते से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कहना था आपसे। इस फिल्म के बाद वो कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। अक्सर तन्हाई में इस दिल ने। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ नादिरा बब्बर के साथ थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। जूही बब्बर अभिनय के मामले में भले ही कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन खूबसूरती के मामले में वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थी। प्रोफेशनल लाइफ में नाकाम रही जूही बब्बर की पर्सनल लाइफ काफ़ी लाइमलाइट में रही। जूही बब्बर ने टेलीविजन के मशहूर एक्टर और होस्ट अनूप सोनी से शादी की। हालांकि जूही अनूप सोनी की दूसरी बीवी है। वो बाबू किस्मत वाला है। तारों की बारात आई। दरअसल शादीशुदा अनूप सोनी पर जूही बब्बर का दिल आ गया था, जिसके चलते अनूप सोनी ने अपनी पहली पत्नी को रिश्ते में धोखा तक दे दिया था। इतना नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जूही बब्बर और अनूप सोनी चोरी छिपे लिव इन में रहने लगे थे। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। लेकिन जब इस बारे में अनूप सोनी की पहली पत्नी को पता चला, तब इन दोनों ने सच्चाई कबूल कर ली और साल 2011 में एक दूसरे से शादी कर ली। बहुत डरते थे, चाहत थी, पर माथा प्यास थी। कहा जाता था कि जूही से शादी के बाद अनूप सोनी ने अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी लेने तक से इनकार कर दिया था। दे दो जहां को चांदनी का जब दुपट्टा ढल के। साल 2003 में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली जूही बब्बर अपनी पहली हिंदी फिल्म के बाद यारा नाल
बहरेल नाम की पंजाबी फिल्म में नजर आई थी। इस मुल्क ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आप प्लीज मेरे लौटने का इंतजाम करवा दीजिए। टूटा मेरी चाहत का सिलसिला। इसके अलावा ये रिफ्लेक्शंस, 19 लव फॉरएवर और आईटी माय लाइफ में भी नजर आ चुकी हैं। फिल्मों के अलावा जूही बब्बर टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी है। वो घर की बात है में नजर आ चुकी हैं। अभिनय जगत में कुछ खास मुकाम हासिल ना होने की वजह से उन्होंने अभिनय जगत से दूरी बना ली, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। जी, मेरी शादी हो चुकी है, हो सके तो मुझे इंडिया भेज दीजिए, मेरे बाबूजी के पास। जिंदगी को जो खुद संभाल।